राम राम जी, नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज मैं हूँ भटाणा गांव में, जो कि सोनीपत से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा इसमें कि गांव में मकान कैसे होते हैं। ये वाला मकान मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाहर से इसका नज़ारा है, और अभी मैं दिखाऊंगा अंदर का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर की तरफ। हमारी शूटिंग आज इसी मकान पर है, यही लोकेशन है हमारी शूटिंग की। मकान में घुसते ही पहली चीज़ आपको ये दिखाई देगी, ये देखो दोस्तों, मटकी है, पानी रखे है इसमें। ये अंदर का नज़ारा है, और ये इस तरफ देखो मेसी ट्रैक्टर है, और ये इस तरफ कुछ घर वाले जो हैं बागवानी करते हैं, कुछ पेड़ लगे हैं यहाँ पर, भिंडी के पेड़ लगे हैं। ये कल्टीवेटर है दोस्तों, खेत की जुताई में काम में लिया जाता है इस यंत्र को, जिसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। अब मैं ले चलता हूँ घर के दूसरी तरफ, दूसरे कोने में, और घर के बीचों बीच बिल्कुल बहुत शानदार नीम का पेड़ है, और इसका चबूतरा भी आप लोग देख सको हो, ये भी काफ़ी सुंदर है। अभी यहाँ पे ये कमरे बने हैं, कुछ दो कमरे बंद हैं और कुछ खुले हैं, खुले में देखते हैं क्या है। ये एक कमरा यहाँ पे खुला हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगा अंदर से आपको। और ये तेल की कुप्पी रखी है दोस्तों, तेल की कुप्पी है, जेली है, दो सिंगड़ों वाली जिसको हम बोलते हैं, ये दीवार पे ऐसे रखी गई है हैंगर के ऊपर। और ये यहाँ पर इन्होंने प्याज डाले हुए हैं, पशुओं के लिए खोर है वैसे, लेकिन ये पशु नहीं रखते, अब टोकरा है, टोकरे के अंदर ऐसे प्याज रखते हैं गांव में, जिससे ये खराब ना हो। इस मकान के पीछे बिल्कुल ये खेत का नज़ारा आप देख सकते हो, बहुत सुंदर नज़ारा खेत का यहाँ से दिखाई देता है। इस कमरे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा कमरा, जो कि ये है, ये बाहर से बंद है, मैं इसको खोल लेता हूं। और यहां पे देखो ये जालियां हैं, जिससे कि गेहूं साफ किए जाते हैं, और ये जो ठेका है इसमें गेहूं भरे होते हैं, जितनी जरूरत होती है तो यहां से निकाल लिए जाते हैं। और फिर ये आटा चक्की है गेहूं पीसने के लिए, इसमें गेहूं पीसे जाते हैं, यहां ऊपर से डलते हैं और फिर आटा यहां से निकलता है नीचे से। इसको छाज बोलते हैं, जो गेहूं साफ करने के काम आता है, ये लोहे का है और लोहार इसको बनाते हैं। हारा है, हुक्का भरने के लिए तंबाकू है, चिमटा है, और ये इस तरफ कुछ सामान है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो साथियों, हुक्टी है, पुराने टाइम की हुक्टी है शायद, जो कि टूट गई, जो बुजुर्ग महिला होती थी हरियाणा में, ये उनके लिए ये हुक्टी होती थी। साथ में इसकी चिलम है, चिमटा है, ये पाटड़ी है साथियों, जिसके ऊपर बैठा था, और ये पिप्पा इसको बोलते हैं, इसमें गेहूं वगैरह, बाजरा वगैरह, जो अनाज होता है उसको रखा जाता है। यहां से भी मैं आपको दिखा दूं बाहर का नज़ारा, काफी शानदार नज़ारा है। ये टहलवा है दोस्तों, ये खेत में डोली लगाने के लिए काम में लिया जा है, और यहां पे ये ट्रैक्टर के कुछ उपकरण हैं, जैसे ट्रैक्टर की फट्टी है, और ये तेल निकालने की मशीन है, जो टंकी से डीजल निकालते हैं, कुछ यहाँ पे औजार हैं, ये खुरपा है, ये दराती है जो गेहूं काटने के काम आती है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, दरात, जो कि पेड़ वगैरह काटने के काम में लिया जाता है। और साथियों, इसका नहीं पता ये क्या है, इसका तो मुझे भी नहीं पता, और ये मेरी बहन आ गई मधु जी, ये बताएंगे।
अलग में देना, जो पेमेंट ना देना वो अलग में देगा, पेमेंट ले लिया। नहीं ओके है बेबे, कुछ बता सके के बारे में वो होगा कुछ काटने का, तो वो तो दरात दिखा दिया मैंने, कुछ काटने का ले कोल्ड ड्रिंक पी ले। ये कुछ भाई काटने का है शायद, कुछ और तरह का कुल्हाड़ी जैसा है कुछ। ये साथियों ये है बेबे, यह नाल पकड़े, या जब भैंस बीमार हो जाए तो इसके अंदर दवाई भर के और उसके मुंह में डाल के पशु थे जब दी जाए, इसको नाल बोलते हैं। वो कह आगे ना कि घना ज्यादा मत बोला है ना, नाल दे दूंगा, यवाए नाल है ना। और ये सामने जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, इसको आरा बोलते हैं, कि जैसे बरसात में बरसात हो जाए तो इसके नीचे दूध की बिलौनी डेग चीज़ होती है वो इसके नीचे रखी जा सके। और इसके ऊपर एक फूकनी भी पड़ी है ये वाली, इसको फूकनी बोलते हैं और इसको आरा बोलते हैं। ये मकान का अंदर से नज़ारा है देखो, बड़ा ही शानदार मकान है। ये गोड़ी है जिससे कि खेत समतल किए जाए, कृषि का उपकरण है ये, कृषि यंत्र जिसको हम बोलते हैं, गोड़ी नाम इसका। दोस्तों गांव के लोग जो हैं खुले में रहना पसंद करया करें, भीड़ भाड़ का एरिया उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता। अच्छा नज़ारा है, काफ़ी सुंदर जगह है, और साफ सफाई का जो है बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया इसमें साफ सफाई का। इस वाले कमरे में जो कि शुरू में कमरा है साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, क्योंकि कलाकार जहाँ होते हैं वहाँ शोर होना जायज बात है। ये देखो स्क्रिप्ट देखो, कि इनके हाथ में एक कैमरा हमारा मधु आराम कर रही है, मधु आराम कर रही है। नहीं ये सीन नहीं, आराम कर रही है, सीन है सर। अरे कहते हैं खाट खड़ी करनी, खाट खड़ी करनी उसको बोलते हैं, जैसे वे चार चार जो खड़ी हैं। आज दोस्तों तीज का त्योहार है, और देखो झूल डली है नीम के पेड़ पे, और ऐसे हमारे हरियाणा में ऐसे मनाया जाता है तीज का त्योहार, देख सको आप, बच्चे भी देख रहे हैं। हरियाणा में तीज कुछ इस तरह मनाई जा है, ऐसे झूलते हैं और साथ में गीत गाते हैं, अच्छे अच्छे तीज के जो गीत हो हैं, सभी लेडीज गीत गाती हैं और एक इस तरफ से पकड़ती है एक दूसरी तरफ से, इस तरह एक रस्सी द्वारा इनको झुलाती हैं। ये इस तरह से घूम जाते हैं फिर चक्कर आने के बाद। यह अभी एक छोटी सी बच्ची जो है झूल पे झूल रही है और काफी खुश है ये, इनको आराम से झुलाया जा रहा है। चलो ताई तीज की बहुत बहुत घनी बधाई, तो ये त्योहार की सा लग है तुमने तीज मजा है ना। बस ताई तो ये थारे मन तो या झूल दी की थारे कारण ये त्योहार बच रहे हैं, ना तो खत्म होता जा सब कुछ। हाँ बिल्कुल, तक ताई घर के क्या बनेगा आज खान का? आज भाई पूड़े तार लेंगे, पूड़े बना लेंगे, गुलगुले पूड़े, समोसे सवाली, शक्कर पारे। चलो बहुत बढ़िया ताई, बहुत बढ़िया, अपनी संस्कृति जो है वो बचा कर रखनी जरूरी है।